इस वक्त हम कटिहार के हसनगंज थाना के समीप मौजूद हैं। यहाँ पर एक सनसनी मामला हुआ है। मामला ये हुआ है कि यहाँ पर जमीन से एक मूर्ति प्रकट हुई है, 2.25 फीट की मूर्ति बताई जा रही है। ये मूर्ति क्या चीज है, किस भगवान की है, हम आपको अंदर जाएंगे, दर्शन कराएंगे और तमाम जानकारी लेंगे। इस वक्त रात का समय है और रात में हम कोशी आलोक न्यूज की टीम यहाँ पर पहुंची है तफ्तीश करने के लिए। काफ़ी हम लोग जो है गहन रास्ते से रात्रि में यहाँ तक पहुँचे हैं और सीधे हम आपको जहाँ पर मूर्ति रखी गई है हम वहाँ पर आपको ले जा रहे हैं। सबसे पहले दर्शन कराएंगे और तमाम जानकारी लेंगे। इस जो घर में जो गृहिणी है, जो लोग रहते हैं, उनसे जानकारी लेंगे ये मूर्ति कब मिली, क्या चीज़ की मूर्ति है और कैसा माहौल है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप दर्शन कर लें भगवान के। ये भगवान जो हैं कई राम बोल रहे हैं, कोई सूर्यदेव बोल रहे हैं और ये तमाम हम जानकारी लेंगे। फिलहाल हम आपको दर्शन करा रहे हैं। ये काली पत्थर की मूर्ति है और जैसा बताया जा रहा है कि ये 5000 साल पुरानी मूर्ति है। हालांकि कोणार्क मंदिर आप जान रहे हैं 13वीं शताब्दी में बनाई गई थी और राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कोणार्क मंदिर यानी सूर्यदेव, और उस जमाने के समय से ये बताया जा रहा है। ये तथ्यों पर भी हम बात करेंगे क्या सत्यता है। फिलहाल यहाँ पर जो एक गृहिणी मौजूद हैं इस घर में जहाँ मूर्ति रखी गई, उनसे हम बात करते हैं ये क्या चीज़ की मूर्ति है और क्या कहेंगे। सर राम जी का मूर्ति है। ये राम जी की आप मान रहे हैं मूर्ति। ये कब मिला, कहाँ मिला आप ये बताएं। मेरा जमीन था, वहाँ मिट्टी खुदाई करते थे, उसी जगह मिला जी। क्या वहाँ पे क्या करना चाह रहे थे? हम मिट्टी खुदा के बेचते थे जी। माहौल बहुत बढ़िया है। तो और लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं यहाँ पर दर्शन? बहुत दूर दूर का आदमी आ रहा है। कहाँ कहाँ से? पूर्णिया का है, फारबिसगंज, अररिया जिला, कटिहार का है, साहेबगंज का है, सब जगह से लोग आ रहे हैं। सब जगह के लोग आ रहा है। दिन रात है तुम्हारी। ये कब मूर्ति मिली? इतवार को मिला है, 5 तारीख को। कब? दिन में? हाँ 12 बजे दिन में। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो है राम भगवान की मूर्ति, क्या ऐसा चीज देखने की राम भगवान की मूर्ति मान रहे हैं? मान रहे हैं यही सर की बीच में राम है, दोनों बगल हनुमान है, तो राम ही मानेंगे। ये हनुमान जी मान रहे हैं आप? तो ऊपर वाला क्या मानेंगे सर? अच्छा, वो हनुमान माने। और भी यहाँ पे पंडित आए होंगे, जानकार हैं? कोई नहीं बता सकता, कोई अभी नहीं बताए, आप अपनी मन से बता रहे हैं। हाँ। तो प्रशासन की भी टीम आई है यहाँ पर? हाँ जी आई। क्या देखा, क्या कहा? वो सब भी रामे मान रहा, सब राम मान रहे। ये मूर्ति यहाँ से भी ले जा भी रहे हैं? नहीं, ले जाने तो नहीं देंगे सर, जान चला जाएगा लेकिन ले जाने नहीं देंगे। मेरा जमीन में निकला तो मैं मंदिर दे रहा हूँ इसको। यहाँ मंदिर बनेगा? हाँ मंदिर बनेगा। क्या नाम हुआ आपका? बेबी देवी। तो ये बेबी देवी हैं जो बता रही हैं कि राम की मूर्ति है, ये राम मान रही हैं, जो बगल में मूर्ति के दोनों साइड में हनुमान मान रही है। इन तथ्यों पर बात करेंगे कि सत्यता क्या है। फिलहाल अपने कैमरामैन सुमित से कहेंगे, फिलहाल नज़ारा दिखाए कि यहाँ पर ग्रामीणों की भीड़ लगी हुई है जो प्रतिमा दर्शन के लिए आए हुए हैं। राम मान रहे हैं, अयोध्या में राम विराजमान हो गए हैं, तो चाह रहे हैं कि कटिहार के हसनगंज में भी राम भगवान आ चुके हैं, ये इनका मानना है। लेकिन और लोग से भी बात करते हैं, क्या आप बताएंगे ये प्रतिमा क्या चीज की है? प्रतिमा राय से हम लोग राम का मानते हैं। आप राम मानते? कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं। आप? मैं भी बहुत खुश हूँ। कहाँ से आए हैं? हम द्वारसे से आए हुए हैं जी। कैसे पता चला आपको? पता ग्रामीण है, मतलब बगल में ही घर है जी। तो मिट्टी खदाई वक्त मिला हुआ है जी। तो बस मूर्ति मिला हुआ है और हम लोग भव्य मंदिर बनाने के लिए चाह रहे हैं। हाँ भव्य मूर्ति मंदिर बनेगा, प्रशासन लोग भी आए हुए थे और मूर्ति को ले जाने के लिए चाह रहे थे। हम लोग ग्रामीण, पूरा ग्रामीण जो है हम लोग ले जाने के लिए नहीं देंगे। आप क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? कैसा लग रहा है यहाँ पे राम जी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, बहुत अच्छा। चलिए आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे, बताइए। जिस टाइम खुदाई हो रहा था जमीन का, तो उस टाइम जैसे ही मूर्ति निकला ना, जी हाँ मौजूद थे, तो जिसे भी अपने आप बंद हो गया, तो बंद हो गया तो जिसे भी आवाज़ लगाया कि आओ यहाँ पे कुछ निकला है, क्योंकि जिसे भी का बंद होना उचित बात नहीं है, क्योंकि जिसे भी बड़ा बड़ा घर तोड़ देते हैं, मकान तोड़ देते, सब चीज़, ये छोटा सा मूर्ति जिसे भी बंद कर दिया, इसमें कितना पावर है जो बंद कर दिया। इसीलिए जिसे भी वाला आवाज़ लगाया तो हम लोग दौड़ के गए, हम लोग घर में थे बैठे, तो यहाँ से गए वहाँ देखते हैं, साफ सफाई किए मूर्ति का, तो पता चलता है कि सब कोई बोलता है राम जी का मूर्ति है। पता चला तो गांव में तो भीड़ लगी? हाँ तो भीड़ लगी, पूरा भीड़ लग गया, तो एक से दूसरे आदमी, पूरा आदमी आने लगा,
10,000 की संख्या तो रोज आते हैं। आप बताएंगे ये राम भगवान है? राम भगवान है, हाँ। कैसे जानते हैं राम भगवान है, क्या देख रहे हैं? ऊपर हनुमान है दोनों तरफ, दोनों। तो कई लोग यहाँ पे कई लोग जो हैं सब बोल रहे हैं कि राम भगवान है, इसमें कितनी सत्यता है वो भी बात करेंगे। चलिए आप भी कुछ बताएंगे, कैसा लग रहा है? बहुत सुख लग रहा है, बस जी? बहुत बढ़िया लग रहा है। राम भगवान का मिला है जमीन में मेरा खुदाई के साथ, तो बहुत दूर पूरा दुनिया का आदमी आ रहा, सारा जिला का भी आ रहा आदमी, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? बहुत दूर से, कटिहार से, पूर्णिया से, फारबिसगंज से। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप? मंदिर बनाएंगे, अपना जमीन है जी। हाँ, तो मंदिर बनने से क्या होगा? बहुत कुछ होगा, कीर्तन भजन सब चीज होगा, 4 दिन से दूर, हाँ से। दूर दूर से आएंगे, सब चीज होगा। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर बनेगा, दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर लोग आएंगे देखने के लिए और दर्शन करेंगे। अब हम बात करेंगे कि ये जो मंदिर यहाँ पर बन रही है और राम भगवान की, और ये बता रहे हैं कि बगल में मूर्ति के बगल में जो हैं हनुमान जी हैं, तो इसका भी हम जानकारी लेंगे, इसमें सत्यता क्या है। हमारे साथ पूर्णिया से आए हुए पंडित जी मौजूद हैं, सूरज भारद्वाज जी, हम उनसे जानकारी लेंगे। वो मुआयना कर रहे हैं मूर्ति का, और मूर्ति के मुआयना के बाद वो बताएंगे कि ये सत्यता क्या है, ये मूर्ति क्या चीज़ है, मतलब किस भगवान की है, तो जानते हैं उनसे। जी राधे राधे जी, राधे। ये बताया जाए कि आपने जो देखा मूर्ति का पूरा अध्ययन किया, क्या पता चला, क्या मूर्ति है ये बताएं। जी मूर्ति सूर्य भगवान का लग रहा है, सूर्य भगवान जी, जी। मगर ग्रामीण बता रहे हैं कि राम भगवान की मूर्ति है, ये कैसे? इसका द्विभुज स्यातः सदा रवि, यानी दो भुज वाले ऐसे रूप में सूर्य भगवान ही होते हैं। दूसरा इसका ये है, ये गम्बूट पहने हुए हैं, और राम भगवान जूता में नहीं दिखते, और ये भगवान जूता पहने हुए हैं। और बिहार शुरू से ही लोक आस्था का पर्व बिहार में छठ पर्व रहा है, तो वही फलस्वरूप हम सब के बीच में सूर्य भगवान का आगमन हुआ इस रूप में, और सूर्य भगवान ही हैं। आप सूर्य भगवान बोल रहे हैं मगर सभी बोल रहे हैं राम भगवान, तो कैसे मनाएंगे? गम्बूट हैं पहने हुए जी, जी इससे प्रतीत होता है, दोनों हाथ में पुष्प हैं जी, जी राम भगवान तो कहीं से प्रतीत हो नहीं रहे हैं जी जी। हनुमान के, तो ये बता रहे हैं हनुमान जी हैं दोनों नहीं, नहीं, मूर्ति शक्ति है, ऊपर शक्ति है, उनके शक्ति है, नाम बताएं जी। दोनों साइड में पत्नी है, और ऊपर उनका कोई शक्ति है, नाम ध्यान में नहीं है जी। तो ये आप जी जी 100% सूर्य भगवान है, तो यहाँ पे अब सूर्य मंदिर बननी जी जी, सूर्य मंदिर बनना चाहिए, दिव्यादि भव्यादि भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण जल्दी से जल्दी होना चाहिए। छठ का पावन त्यौहार होता जी, 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 है, तो कैसे लोग यहाँ पर आएंगे थोड़ा बताएं जी जी। जैसे छठ मनाने आएंगे से पहले यहाँ जी, छठ पर्व से पहले सभी व्रती यहाँ आएंगे, यहाँ से संकल्प लेंगे छठ पर्व करने का, और यही से स्टार्ट करेंगे छठ पर्व पूरा बिहार। तो ये थे सूरज भारद्वाज जी, तमाम जानकारी दे रहे थे, तमाम ग्रामीण बता रहे थे राम जी की मूर्ति है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं ये सूर्य भगवान की मूर्ति है, उन्होंने तमाम जानकारी दी। और भी लोग हैं जो बताएंगे कि क्या चीज़ की मूर्ति है, हालांकि पंडित जी ने तो बता दिया, और भी कई लोग हैं। ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है, क्या चीज़ की मूर्ति है? ऐसे मुझे देखने में लग रहा है कि बुद्ध भगवान का मूर्ति है जी, बुद्ध भगवान का मूर्ति है जी, ठीक है। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे ग्राम भाड़ीडी में जो ये मूर्ति प्राप्त हुआ है, तो हम लोग को कहना यह है कि मूर्ति का मंदिर भव्य निर्माण होना चाहिए, सभी से सहयोग से पूरे ग्रामवासी इसको सहयोग देंगे, हम लोग जहाँ तक सहयोग होगा वहाँ तक देंगे। पूरे हमारे द्वारा पंचायत, ये भाईडी पंचायत जो है बलवा पंचायत में है, ये इसका थाना हसनगंज पड़ता है, हम लोग का थाना डनखोड़ा पड़ता है, सारे जितने गांव अगल बगल में है सब आदमी हम लोग सहयोग दे करके मंदिर का निर्माण करेंगे, क्योंकि ये मूर्ति हमको देखने से लगता है कि बहुत साल पुराना मूर्ति है ये, और ये पत्थर भी है, लगता है कि कोई कीमती पत्थर है जी, तो इसलिए कई साल पुराना लगता है, कई साल मतलब हज़ारों साल पुराना लगता है मूर्ति, देखने से लगता है
जी हजारों साल पुराना मूर्ति है जी। मगर बात है कोई बुद्ध बोल रहे हैं, कोई राम बोल रहे हैं, तो कोई सूर्य बोल रहे हैं, भगवान तो एक ही है। सूर्य भगवान का मूर्ति अभी तक हम तो देखे नहीं है, राम का मूर्ति जब कहीं भी देखे हैं अभी तक में तो उसका तीर धनुष रहता है साथ में, लेकिन वो चीज़ तो नहीं है। लेकिन बुद्ध भगवान का मूर्ति हम कई बार देखे हैं तो सेम लग रहा है कि बुद्ध भगवान का मूर्ति है। तो आप जैसे समझिए, तो मूर्ति जब निकला है तो उसका तो हम लोग का जो है कि आश्रम में आया है तो उसको जाने देंगे नहीं हम लोग तो इसका जो भगवान है एक है, नाम अनेक है। आप राम कह ले, सूर्य कह ले या बुद्ध कर ले, सब तो एक ही भगवान है। जैसे माने आप वैसे ही होंगे। फिलहाल जहाँ से मूर्ति निकली है, जिस जमीन से, हम आपको वहाँ पर ले चलते हैं। हालांकि ये घर में मौजूद है, वहाँ पर अभी जागरण वहाँ पे हो रहा है, रात्रि का समय जागरण भी हो रहा है, उस स्थान के भी दर्शन आपको कराते हैं। चलिए हमारे साथ उस दर्शन करते हैं कहाँ से ये मूर्ति निकली है। क्या हो रहा है, क्या हो गया, कौन है आप जी बताएं, कौन? सूर्य भगवान? सभी यहाँ पर बता रहे हैं कि राम भगवान है, मगर क्या सत्य में सूर्य भगवान है? ये जो मिली है मूर्ति, क्या सूर्य भगवान की है? इनकी बातों से सहमत हैं? सहमत हैं। आप लोग क्या सहमत हैं? चलिए क्या बोल रहे हैं आप, सहमत हैं? हाँ सहमत। आप लोग सहमत हैं यहाँ पे सूर्य भगवान का मूर्ति मिला है यहाँ से छठ पूजा? बोलिए सूर्य भगवान की। सूरज भारद्वाज जी जो पंडित हैं, पूर्णिया से आए थे, रामबाग से तमाम जानकारी दे रहे थे, और तमाम जानकारी देने के बाद उन्होंने बताया कि सूर्य देव की ये प्रतिमा है और यहाँ के लोग भी अब मानने लगे हैं। और इसी स्थान पर कैमरामैन सुमित से कहेंगे कि इसी स्थान पर मूर्ति जो है यहाँ पर निकली है, प्रकट हुई है जमीन से, जो प्रत्यक्ष रूप से हम सभी देखते हैं सूर्य देव को। आज वो हसनगंज था पर जो है इस गांव में निकली हुई है जमीन से, और यहां पर भव्य मंदिर का भी निर्माण होगा। सभी गांव वाले खुश हैं, रात्रि का समय है और अभी भी भीड़ यहां पे लगी हुई है। हम इस वक्त इसी गांव में मौजूद हैं और दूर दूर आप देखेंगे अभी भी लोग यहां पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हालाँकि जो मूर्ति है उसको घर के अंदर रखा गया है, क्योंकि जो रात का समय है यहाँ पर कुछ अनहोनी ना हो जाए, और इसी के लिए जो गृहिणी हैं उन्हें घर में रखते हैं और पूजा करती हैं। और ये बता रही है कि चार दिन से खाना भी नहीं खाया है, क्या सत्य बात है? हाँ सत्य बात है, खाना भी नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं ग्रहण किया खाना भी, खाना नहीं खाया, नहीं खाना है। देखिए खाना भी नहीं खाई है चार दिन से, इतने भक्तिमय दुनिया में खो गई हैं जो है भगवान के प्रति, उनको भूख भी नहीं लग रही है, ऐसी जो प्रभु की लीला है। कौन सा गाँव है? पकड़िया गांव है। पकड़िया गांव है, ये पकड़िया गांव है, और यहां पर जो है सूर्य देव जो है दर्शन दिए हैं, यहां पर जो है भूमि से निकले हैं और लोगों को दर्शन दे रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनल कोशियालोक के माध्यम से, और भी जो है चैनलों के माध्यम से जानकारी मिल रही है लोगों के माध्यम से, वो यहाँ पर आ रहे हैं और साक्षात प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। हम भी अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहेंगे, आप भी और दर्शन करना चाहते हैं तो कोशी आलोक न्यूज के माध्यम से आप देखते हुए यहाँ पर हसनगंज आए और जो है प्रभु का, सूर्यदेव का दर्शन करें। और ऐसी आशा रखें कि आने वाले दिनों में यहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण हो सूर्यदेव का। और जो बिहार जो प्रचलित है छठ पर्व को लेकर, आस्था का पर्व है, यहाँ पर आए सूर्यदेव से आप विनती करें, उनसे निवेदन करें, पूजा अर्चना करें और छठ में डूब जाएं। ये बहुत बड़ी बात होगी कि आने वाले दिनों में यहाँ मंदिर का निर्माण होता है। फिलहाल आप यूं ही देखते रहे कोशियालोक, जो चैनल में नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो जुड़े हैं उसको शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। फिलहाल बने रहें, देखते रहे कोशियालोक न्यूज। कैमरामैन सुमित के साथ अमरदीप, कोशियालोक न्यूज पूर्णिया। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया, यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथ टब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी, साथ ही यहां
फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद, तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NH31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही मिलें बहरापन गुंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। मोबाइल 7258814055 और 9934234303। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने सेंट्रल बैंक की गली में मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप।